तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 को लेके जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, अभी इम्पैक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्या क्या चीजें हो रही है, आप लोग इस वीडियो को टेक्निकल न्यूज भी, टेक न्यूज भी बोल सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा एंड तक देख लेना विदाउट एनी स्किप। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर, आप देख रहे हैं बीइंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिस चीज की, तो दोस्तों वो चीज है यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड में जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, तो दोस्तों 22 मार्च यानी कि कल जो है जनता कर्फ्यू लगा था, इसके वजह से दोस्तों यहां पर जो है हमारे इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। क्योंकि दोस्तों जो भी इंप्लॉयर्स, जितने भी बंदे काम करते हैं इंडस्ट्रीज कंपनीज वगैरह में, उन सबको जो है वर्क फ्रॉम होम मिल गया, यानी कि घर पर बैठे बैठे काम करना है, तो उसमें इंटरनेट की जरूरत है वहां पर, ठीक है। किसी को मेल सेंड करनी है, किसी को ये सेंड करनी है, तो भाई इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करूं पिछले महीने से, तो पिछले महीने से जो है 156% इंटरनेट के यूजर्स बढ़ चुके हैं, जिसके वजह से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि इंटरनेट की स्पीड हल्की सी लैग कर रही है, हल्की सी कम हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई पहली चीज, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। यहां पर तो दोस्तों यहां पे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जो है ना, इन्होंने अपनी वीडियो क्वालिटी में हल्का सा रिड्यूस किया, यानी कि वीडियो क्वालिटी को हल्का सा 25% कह सकते हो कम कर दिया गया है इन यूरोप, नॉट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में नहीं किया गया, यूरोप में किया गया। नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब की जो वीडियो क्वालिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो भी बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको सही से डाटा डिलीवर, नेट की स्पीड सही से मिल पाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है नेटफ्लिक्स में अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, या फिर प्राइम वीडियोस देखते हो, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो, तो सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम होता है। मतलब कोई भी अपने ऑफिस वगैरह अभी कहीं नहीं जा रहा है कोई भी कोरोना वायरस को लेकर, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको सही से इंटरनेट मिल सके, इंटरनेट सर्विस मिल सके, तभी तो अगला बंदा घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर पाएगा जब उन्हें इंटरनेट की स्पीड सही से मिलेगी। तो दोस्तों इसी रीजन को लेके जो है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ने हल्की सी अपनी वीडियो क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया है, ताकि सारा डाटा कंज्यूम ना करें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, उन्हें और भी कहीं भी यूज कर सके कोई भी यूजर, अगर कोई भी इंटरनेट यूजर है तो, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर तीसरी चीज ये है कि उबर एंड ओला जो है वो दोस्तों यहां पर अभी जो शेयरिंग हम करते थे, शेयरिंग कैब, कि भाई अगला बंदा भी, जैसे आप लोगों ने एक शेयरिंग बुक कर ली, मैंने भी कर ली, तो शेयरिंग वाले बंदे जो है बैठ सकते हैं, मल्टीपल बंदे बैठ सकते हैं, अननोन बंदा बैठेगा मैं भी बैठ जाऊंगा, शेयरिंग कैब शेयर करके जो बैठते थे, ठीक है। तो दोस्तों शेयरिंग तो बिल्कुल ही मना हो चुकी है, कि शेयरिंग कैब बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कैब जो थी हमारी, प्राइम वगैरह जो भी चलती थी, उसकी भी सर्विस बिल्कुल कम, यानी कि दोस्तों सुबह से देख रहा हूं मैं तो सिर्फ एक कैब अभी तक अवेलेबल हुई है, वो भी पता नहीं कब आएगी अगर मैं बुक करता हूं तो। तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे मेट्रो वगैरह की, और दोस्तों मेट्रो वगैरह भी अभी शट डाउन है, तो दोस्तों डीटीसी की बसेस जितनी भी थी वो सिर्फ 25% सर्विसेज ही मिलेगी अब हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे बात कर ली हमने तीसरी चीज की, बात करते हैं चौथी चीज की, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आप सभी के लिए जो कि कोरोना वायरस के बारे में नहीं जानते। दोस्तों अगर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये वाला जो न्यूज फोर्थ बताने वाला हूं आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों बता दूं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियली एक चैटबॉट नाम की एक चीज अवेलेबल, एक लॉन्च कर दी है, जो कि व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप पे आप लोगों को मिलेगा। यानी कि दोस्तों उस चीज के लिए आप लोगों को जो एक नंबर सेव करना पड़ेगा अपने फोन में, जो कि नंबर है 9013151515। दोस्तों स्क्रीन पे भी मैं लिख दूंगा, आप लोग देख सकते हो भाई ये नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों इस नंबर को आप लोग जो है अपने मोबाइल में सेव कर लेना। सेव करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पे जाना है, और व्हाट्सएप पे जब सर्च करते हो ना, तो वहां पे सर्च करना माय गवर्नमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं सर्च करके दिखा रहा हूं, ये सर्च करना है। तो दोस्तों यहां पे जो है आप लोगों का खुलेगा, तो दोस्तों जैसे आप लोग सर्च करेंगे वो नंबर, तो यहां पे जो है खुलेगा माय गोव करके, माय GOV कोरोना हेल्प डेस्क। यानी कि दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया है, जो कि व्हाट्सएप में डाला गया है, ठीक है। आप लोग जब ये खोलोगे तो आप लोग देख सकते हो, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल कह सकते हो आप, ऑफिशियली गवर्नमेंट हमें नॉलेज यहां से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी यहां पे कोविड-19 के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को सबसे पहले अगर कोई भी चीज किसी भी बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप लोगों को उनको सेंड करना पड़ेगा नमस्ते लिख के भेजना है, या तो हाय भी लिख सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज उनको सेंड कर देना, और दोस्तों सेंड करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा मैसेज जो है वहां से रिवर्ट होगा आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहां पे कुछ लिखा होगा, आप लोगों को किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, ए कोरोना वायरस कैसे होता है, बी कोरोना वायरस मतलब क्या, कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे लिख रहेंगे। आप लोगों को मान लो बी लिखा हुआ है, और बी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है। तो आप लोग बी लिखना कैपिटल में और सेंड कर देना। जैसे ही सेंड करोगे आप लोगों को दोबारा एक मैसेज आएगा वहां पे कि आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में लेनी है, तो आप वो नंबर सेंड करना, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, कुछ इमेजेस मिल जाएगी, एनिमेटेड इमेजेस भी मिल सकती है।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को भी जानना है कि भाई कैसे होता है तो जो अभी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करना, ठीक है। और दोस्तों यार कमेंट में जरूर लिख देना कि अगर आप लोगों को ये वाला पसंद आया हो ना कि माय गवर्नमेंट वाला जो बताया मैंने, और आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस मिली हो, तो भाई कमेंट जरूर कर देना इस चीज के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सैमसंग, वीवो, ओप्पो ने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया इंडिया में 31 मार्च तक। 31 मार्च से पहले पहले ये लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे इंडिया में। और दोस्तों कुछ ऐसी भी एक न्यूज आ रही है कि यहाँ पे जो एप्पल कंपनी है तो कोई भी एप्पल जो है सिर्फ अलाउड कर रहा है, जैसे कोई भी एक यूजर है अगर वो खरीदना चाहता है कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट खरीद सकता है एप्पल के उनकी वेबसाइट पर जाके। अब पता नहीं कहाँ से दोस्तों ये एक न्यूज आई है यहां पर, ठीक है, कि एप्पल जो है सिर्फ एक पर्सन को, एक बंदे को, एक यूजर को अलाउ करेगा कि वो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट खरीद सकता है एप्पल की। क्योंकि दोस्तों वो शायद ही इसलिए हो सकता है क्योंकि दोस्तों यहां पे जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई है, तो शायद प्रोडक्ट इतना ज्यादा ना हो, स्टॉक में इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि काफी यूजर होते हैं जिनको खरीदना होता है, अगर वो ज्यादा खरीद लेंगे तो उनका आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, काफी कुछ रीजन इसके पीछे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ पांच न्यूज, कुछ पांच चीजें आप लोगों को बतानी थी जो कि भाई COVID-19 जो कि कोरोना वायरस के वजह से काफी ज्यादा फैल रही है। तो दोस्तों यार अगर भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे तो भाई जरूर ही क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास सबसे जल्द आए। तो दोस्तों यार वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो ना, हर जगह फैला देना इस वीडियो को, ताकि दोस्तों अगले बंदे के अंदर जो है अवेयरनेस, कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई COVID-19 के बारे में जो भी मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।